हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं रियान रेनल्ड्स की रिलीज की गई फाइनली द फ्री गाय फिल्म के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को मैंने थिएटर में देखा है बाकी और दूसरी फिल्मों के साथ। लेकिन फिलहाल तो इस वीडियो में बात फिल्म फ्री गाय की ही करेगी कि ये फिल्म थिएटर में देखने जैसी है या नहीं। इसके पहले आते हैं फिल्म की कहानी पे, जो हमें ट्रेलर में ही बताई गई है कि ये फिल्म रियान रेनल्ड्स के कैरेक्टर गाय पर फोकस करती है, जो कि ओपन वर्ल्ड गेम का हिस्सा है। लेकिन ये बात उसे नहीं पता, और जब उसे इसका एहसास होता है कि वो इस ओपन वर्ल्ड गेम की दुनिया में कोई प्लेएबल कैरेक्टर नहीं बल्कि नॉन प्लेएबल कैरेक्टर है, जिन्हें ओपन वर्ल्ड की गेम की दुनिया में सिर्फ इसीलिए डिजाइन किया जाता है ताकि लोग यानी कि गेमर्स उन पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। लेकिन गाय उन सभी में से अलग होता है, जो एक हिसाब से इस दुनिया में बगावत खड़ी कर देता है। क्यों और कैसे, अब वो सारी की सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म, जो लगभग 2 घंटे की है। लेकिन सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको आपका समय ऐसे टाइम पर थिएटर में जाकर इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन डिटेल्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो आ जाते हैं सबसे पहले आपके कुछ डाउट्स पर, जैसे कि ये फिल्म आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो। साथ ही साथ इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जिसकी हिंदी डबिंग मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन बाकी दूसरे लोगों के लिए फिल्म की हिंदी डबिंग ठीक रहेगी, खास करके वो लोग जो लोग ऐसी फिल्मों में हिंदी फिल्मों के रेफरेंस सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली वो चीज उन्हें इस फिल्म में सुनने मिलेगी, लेकिन जर्नी 2 और डेडपुल 2 फिल्म के लेवल से काफी ज्यादा कम। यानी कि हिंदी डबिंग के राइटर की तरफ से फिल्म की हिंदी डबिंग काफी सोच समझ कर की गई है, ताकि फिल्म की हिंदी डबिंग बेमतलब की बिल्कुल भी ना लगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके उस डाउट पर कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। वेल, तो सिंपली कहूँ कि अगर आप थिएटर में जाकर एक काफी अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाहते हैं, यानी कि पॉपकॉर्न फिल्म, तो फ्री गाय उन्हीं में से एक फिल्म है जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करते हुए एक काफी अच्छा, नहीं मैं तो कहूंगा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है, जिसे देखकर आप काफी ज्यादा खुश रहते हो। हालांकि फिल्म में कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलती है, जिसे अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो वो डिसअपॉइंटमेंट आपको इस पूरी फिल्म के कॉन्सेप्ट को देखकर लगती है, क्योंकि ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं रेडी प्लेयर 1 फिल्म की याद दिलाती है और एक फिल्म की जिसका मैं जिक्र तक नहीं करूंगा, वरना ये फिल्म कहीं ना कहीं आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी और वो एक्सपीरियंस मैं आपसे बिल्कुल भी छीनना नहीं चाहता। इसलिए आप गेस करते रहो कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें ऐसी ही किसी सिचुएशन में जिम कैरी का कैरेक्टर भी फंसा हुआ होता है। खैर, इसके अलावा रेडी प्लेयर 1 से ही मिलता जुलता एक और रेफरेंस आपको फिल्म के 2 कैरेक्टर्स में भी नजर आता है, जिनमें से जूडी कॉमर का कैरेक्टर मिली है और दूसरा कैरेक्टर एंट वॉन का है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में टाइका वाटिटी ने प्ले किया है। और उनके कैरेक्टर से मुझे जिस तरीके की परफॉर्मेंस चाहिए थी, उम्मीद के हिसाब से वो बिल्कुल भी देते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि जहां जहां टाइका वाटिटी की प्रेजेंटेशन हमें दिखाई जा रही थी, हाँ, गेम के डेवलपर के बॉस के हिसाब से उसमें उनका एटीट्यूड एक्टिंग कम और हमें इरिटेट काफी ज्यादा करता है। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने कहा, आप इन चीजों को इग्नोर कर फिल्म के मजे ले सकते हो, जो कि ये फिल्म आपको देती है, जिसमें मैंने एक्शन को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि एक्शन को कोरियोग्राफ इसी बात को ध्यान में रखकर किया गया है इस फिल्म में कि ये गेम वर्ल्ड है जिसमें कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए एक्शन फिल्म के ठीक रहेगी बाकी फिल्म के चल रहे प्लॉट की तरह, जिसमें खास बात यही है कि ये फिल्म आपको कहीं पर भी जरा सा भी बोर नहीं करती। और अगर इसके क्रेडिट की बात की जाए, तो ये क्रेडिट ऑब्वियसली गाय के कैरेक्टर यानी कि रियान रेनल्ड्स पर जाएगा, जो इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस रियान रेनल्ड्स की ही तरह देते हैं और वो चीज उन पर बहुत ज्यादा सूट भी करती है। बाकी फिल्म में आपको गेमर से लेकर एक्टर्स तक के कई सारे कैमियो देखने मिलेंगे, जिसमें से कुछ अच्छे थे तो कुछ बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग। और इन 3 कैरेक्टर्स के अलावा फिल्म में और बाकी दूसरे एक्टर्स भी है, जिन सभी की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी अगेन, और ये फिल्म भी नहीं। लेकिन जिन ऑडियंस को ध्यान में रखकर इस फिल्म को नहीं बनाया गया है, तो वो ऑडियंस वही है जिन्हें गेम की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और हाँ, स्ट्रीमिंग वर्ल्ड के भी, कि आज की तारीख में इन टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है। तो उनके लिए ये फिल्म एक एलियन की तरह होगी, जिसका मजा वो लोग उस लेवल पर जाकर नहीं ले पाएंगे जैसा उन्हें इस फिल्म को लेकर करना चाहिए। बाकी जिस किसी ने भी GTA 5 जैसे ओपन वर्ल्ड का गेम खेला होगा, उन्हें फिल्म में क्या चल रहा है वो चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन ये फिल्म अपने फर्स्ट एक्ट तक यही सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाती है, सेकंड हाफ में एक छोटा सा ट्विस्ट और फिल्म के थर्ड एक्ट में ये फिल्म हमें सरप्राइज करती है, वो भी अच्छा खासा, जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा कर रखी थी, और इसी कारण से मुझे भी ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। और मैं चाहूंगा कि क्रिएटर्स इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी बंद नहीं करें, क्योंकि इसका क्रेडिट एक्टर्स के अलावा फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और खास करके एडिटर तक पर भी जाता है, जिनकी एडिटिंग की ही वजह से अगेन ये फिल्म हमें बिल्कुल भी बोर नहीं करती। बाकी बात करें फिल्म के VFX, सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग और फोटोग्राफी की, तो वो भी फिल्म के
बजट के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है। जिस पर अब आपके और टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे मैं आ जाता हूँ फिल्म की रेटिंग्स पर, क्योंकि फिल्म अच्छी है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो एक्शन की डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिसके चलते एक्शन की रेटिंग 5/3 स्टार की बनती है इस फिल्म के लिए। कॉमेडी के लिए मैं इस फिल्म को 5/4 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि फिल्म में ह्यूमर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वैसी ही फिल्म की स्टोरी भी है, इसलिए ड्रामा के लिए भी बनते हैं 5/4 स्टार। सस्पेंस के लिए 5/3, जो ऐसी प्रेडिक्टेबल फिल्म के लिए काफी बड़ा सरप्राइज है, और हाँ ड्रामा भी, जिसकी कहानी की इस तरीके की उम्मीद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगा कर रखी थी। बाकी बात करें फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो वो फिल्म में है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जिसके चलते थ्रिल के हिसाब से ये रेटिंग 5/10 स्टार तो डिजर्व करती ही है। बाकी बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये फिल्म A+ की कैटेगरी की है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें गेम की दुनिया के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए वो लोग इस फिल्म से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते, जिस कारण से वैसी मासस ऑडियंस की नजर में इस फिल्म की रेटिंग B- की बनेगी, लेकिन फिर भी मेजोरिटी इस फिल्म को A+ ही दिलाकर रखेगी मासस ऑडियंस की नजर में। बाकी बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म A- की कैटेगरी डिजर्व करती है, यानी कि क्रिटिक्स को भी ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई है, जो कि होना ही था, क्योंकि फिल्म का कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा यूनिक है, जिसके चलते मैं भी इस फिल्म को एक ही कैटेगरी में रखूंगा, जो चीज ये फिल्म डिजर्व करती है। और आपसे रिक्वेस्ट थिएटर की भी करती है कि आप इस फिल्म का एक्सपीरियंस थिएटर में जाकर ले, क्योंकि थिएटर में ऑडियंस नहीं है और सिर्फ 5 से 6 लोगों के आने से ही थिएटर में बिजनेस अच्छा खासा नहीं होगा। हालांकि हम जैसे मूवी लवर्स को फिल्में देखने के लिए अच्छा खासा ट्रेवल करना पड़ता है मुंबई से वापी यानी कि गुजरात तक का, क्योंकि महाराष्ट्र में थिएटर्स खुले ही नहीं है, जिस पर अब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, बट फिर भी कुछ भी किया नहीं जा रहा। खैर लेकिन जो भी हो, फिल्म अच्छी है, इसलिए थिएटर में ही जाकर इस फिल्म को देखिएगा, क्योंकि ये चीज मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब आपकी नजर में इस फिल्म को देखकर कैसा रहेगा उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए, और तब तक के लिए बाय।